Bay News, Jai Ho. अच्छा, खेसारी लाल यादव जी की बेटी पहली बार फिल्म में है, आईपीएस की रोल की है कृति, जो कि वो भी बहुत अपने आप में आकर्षक दृश्य रहा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रोल किया कृति दी ने, और पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि दीदी ने पहली बार किया, और दीदी को मेरा नमस्कार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऐसे ही खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई अभी हम लोग खेसारी लाल यादव जी का संघर्ष मूवी देख रहे हैं। ठीक बताइए आर्यन बाबू की ये जो फिल्म देखे संघर्ष 2, ये फिल्म पूरा बच्चा पर आधारित है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक तरह से पुलिस, पॉलिटिक्स, फैमिली और खास करके बच्चों के लिए, जितने भी हमारे बच्चे हैं जो गेम्स ज़्यादातर खेलते हैं, उस चीज़ का इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया गया। तो जितने भी हमारे माता पिता हैं, तो आप सभी अपने बच्चों के साथ ये मूवी देखने ज़रूर आइए, क्योंकि आपके बच्चे पर जो गेम का असर हो रहा है ना, वो फिल्म हो सके तो इस चीज़ को दुरुस्त करेगी और आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आप अपने बच्चों को गेम से दूर नहीं रखेंगे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। खेसारी भैया के साथ मूवी देख रहे हैं, कितना मजा आया? बहुत मजा आया। एक स्टार अपने ऑडियंस के साथ फिल्म देखता है तो मजा आता है ना? इससे जमीन से जुड़े हुए स्टार कहा जाता है। हमने एक दिन पहले ही भाई फिल्म को देख लिया, हमने देखा कि प्रीमियर आज फिल्म का शुरू हुआ था, खेसारी लाल यादव जी का मूवी को दिखाया जाए कि किस तरीके से भाई खेसारी लाल यादव जी का मूवी है। और देखिए खेसारी भैया भी हम लोग के साथ, भी खेसारी लाल यादव भी हम लोग के साथ बैठकर, यानी कि खेसारी भैया भी हम लोग के साथ बैठकर मूवी को देख रहे थे। इस मूवी में काफ़ी इमोशन जुड़ा हुआ है, खास करके उनकी बेटी जो कृति यादव है भाई, उसका तो जलवा ही अलग है। और हम लोग काफ़ी सिनेमाघर में, यानी कि पीएन मॉल में काफ़ी मज़ा लिए, एंजॉय किए। और आइए ऊपर थोड़ा सा खेसारी भैया से मिलवाते हैं, क्योंकि मैं बोला था पहले कि भाई कोई भी सुपरस्टार हो आपको सिनेमा घरों में आने पड़ेगी आप लोगों को फिल्म चलाना है, तो मेरा कहा हुआ कुछ सत्य भी हुआ कि मेघा श्री जी हैं यहाँ पर, खेसारी भैया हैं यहाँ पर। देखिए तो इस फिल्म को भाई हम लोगों ने देखा, काफी मजा आया और काफी इमोशन से भरा हुआ ये मूवी है, जो कि सिनेमा घर है यहाँ पर, जो कि काफी दर्शक भी आए हुए थे। मैं कहना चाहता होगा कि थोड़ा इधर भी फोकस किया जाए, जो कि काफी ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं किस संघर्ष है। बहुत मस्त फिल्म है ना, सुपर हिट फिल्म होगा, सुपर हिट जियो। देखिए यानी कि खेसारी लाल यादव जी की फिल्म भाई आज ही रिलीज के पहले ही देख ली है। जी जी जी, उन्हीं के साथ खुशी हो रहा है ना, जो कि खेसारी भैया के साथ मूवी देख रहे हैं, कितना मजा आया? बहुत मजा आया। एक स्टार अपने ऑडियंस के साथ फिल्म देखता है तो मजा आता है, इससे जमीन से जुड़े हुए स्टार कहा जाता है। तो खेसारी लाल यादव को और कहेंगे कि सिनेमा घर में अपने ऑडियंस से जाकर ऐसे बैठ कर समय देने के लिए थोड़ा? नहीं नहीं भाई, स्टार है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो समय देना पड़ेगा अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा मूवी रहा, अभी अच्छा लगा ना, बहुत मतलब दिल खुश हो गया। बाहर आपसे मैं सवाल लूंगा, कैमरा मैन चाहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा को बंद किया जाए। इधर से आ जाओ, तुम इधर से आओ। तो चलिए नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही, और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज। भाई हमने भी संघर्ष 2 मूवी बखूबी खेसारी लाल यादव जी के साथ बैठकर हम लोगों ने देखा, और साथ में छोटा स्टार है आर्यन बाबू, जो कि बहुत प्यारे, बहुत मासूम है, और ये भी संघर्ष करके बड़े स्टार कभी ना कभी बनेंगे। और आर्यन बाबू भी खेसारी लाल यादव जी के साथ फिल्म देख रहे थे, कितना मजा आया? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा फिल्म है। और सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं आप सभी को पहुँच के प्रणाम करना चाहूँगा। मैं आर्यन बाबू, और आज पीएनओ हॉल में ये फिल्म देखा हम लोग ने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए आर्यन बाबू की ये जो फिल्म देखे संघर्ष 2, ये फिल्म पूरा बच्चा पर आधारित है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक तरह से पुलिस, पॉलिटिक्स, फैमिली और खास करके बच्चों के लिए, जितने भी हमारे बच्चे हैं जो गेम्स ज़्यादातर खेलते हैं, उस चीज़ का इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया गया। तो जितने भी हमारे माता पिता हैं, तो आप सभी अपने बच्चों के साथ ये मूवी देखने ज़रूर आइए, क्योंकि आपके बच्चे पर जो गेम का असर हो रहा है ना, वो फिल्म हो सके तो इस चीज़ को दुरुस्त करेगी और आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आप अपने बच्चों को गेम से दूर नहीं रखेंगे,
तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। अच्छा ये बताइए कि आज खेसारी लाल यादव जी के साथ आप बैठकर फिल्म देख रहे थे, फिल्म में बहुत भावुक पल था, बहुत इमोशन जुड़ा हुआ था, रोने वाला बहुत मार धार तो कम ही था लेकिन बहुत ही इमोशन टाइप का क्या फील हो रहा था फिल्म देखने के बाद? देखिए फीलिंग अंदर से रोना जैसा आ रहा था क्या? क्योंकि काफ़ी सारे सीन ऐसे थे और उसमें, लेकिन इस फिल्म में मैं पर्सनली बताऊँ तो इस फिल्म में सारी चीज़ें थी, एक्टिंग, डांसिंग, इमोशन, एक्शन, रोमांस, मतलब जो एक फिल्म में होना चाहिए वो सारी चीज़ें इस फिल्म में थी और फिल्म देख के बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोग हमारे इस देख रहे हैं इस चैनल को तबाही नहीं उसको, मैं चाहता हूँ कि आप सभी आइए संघर्ष टू देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिला दीजिए। अच्छा बताइए आर्यन बाबू कि आपका फिल्म खेसारी लाल यादव जी के साथ या फिर आपके फिल्म कब आ रहे हैं जो कि ऐसे ही हम लोग देखें आपका फिल्म? सर के साथ मेरी एक फिल्म आई थी जिसका नाम है शादी हो तो ऐसी, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दिया और बहुत ही प्यारा वो फिल्म था जिसमें मैं वो पहली फिल्म किया था, वो मेरी पहली फिल्म थी और उसमें मुझे संजय अंकल ने काम दिलाया था। उस फिल्म के डायरेक्टर हमारे लाल बाबू पंडित सर थे और जो उस टाइम मैंने सर का व्यवहार देखा था और अभी देखा, कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही, और बहुत अच्छा लगता है मिलकर। अच्छा खेसारी लाल यादव जी की बेटी पहली बार फिल्म में है, आईपीएस की रोल की है कृति, जो कि वो भी बहुत अपने आप में आकर्षक दृश्य रहा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रोल किया कृति दी ने और पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि दीदी ने पहली बार किया। और दीदी को मेरा नमस्कार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऐसे ही खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अच्छा संघर्ष टू मूवी का कुछ डायलॉग आपने याद किया या फिर याद नहीं? संघर्ष टू में मैंने जितनी भी फिल्में देखी, अभी सच बताओ तो मुझे कोई डायलॉग ध्यान पे नहीं आ रहा, लेकिन फिल्म जो है, हाँ ये हमारा भारत है जहाँ पे हर एक कण कर शंकर है, तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हमारी इस फिल्म को देख रहे हैं आप सभी आइए और ज्यादा से ज्यादा जब भी कोई सिर फिरा गंगा में कान लगाकर सुनेगा तो वहाँ से आवाज आएगी हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाह क्या बात है। तो ये हमारे साथ में आर्यन बाबू थे जो कि इनके, अच्छा एक सवाल आपसे रहेंगे कि बड़े भैया यानी कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का फिल्म के प्रमोशन में आप पहुंचे, फिल्म भी बैठकर देखें उनके साथ, हम भी देखें, क्या पवन सिंह का हर हर गंगे मूवी आ रहा है, क्या आप बैठकर देखेंगे और उस फिल्म को भी प्रमोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैंने उस फिल्म में काम भी किया है और वो फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है। मैं चाहता हूँ सारे दर्शकों से वो भी फिल्म आप सभी देखें, क्योंकि उस फिल्म में मैंने पवन सर के बचपन का किरदार निभाया और काफ़ी ही प्यारी फिल्म है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, तो मैं वही चाहता हूँ कि वो भी फिल्म आप सभी देखें। अच्छा ये संघर्ष है वो गंगा का सफाई है? हाँ, इसमें दोनों फिल्में काफ़ी अच्छी हैं, दोनों फिल्म को आप लोग बराबर प्यार दीजिए, यही चाहूँगा। तो चलिए थे हमारे साथ में आर्यन बाबू भाई, इनको भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, काफ़ी समय निकाल कर आए हुए हैं और नन्हे कलाकार हैं, और मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस फिल्म को देखेंगे, उनके माता पिता देखेंगे, उनके भाई देखेंगे, तो अपने बच्चों को ये मूवी को ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि गेम खेलने की वजह से बच्चों का माइंडली डिस्टर्बेंस खराब हो जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों को, छोटे छोटे आपकी उम्र के बच्चों ना, जितने भी मेरे भाई या मुझसे बड़े जितने भी लोग देख रहे हैं, जो आप सभी इतना गेम खेलते हैं वो सच बताओ तो दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता है। और मैंने भी पहले बहुत खेला था, लेकिन एक बार पापा से मैंने इतना मार खाया उसके बाद मैं कभी खेला नहीं हूँ। तो चलिए ऐसे हमारे साथ में आर्यन बाबू और बहुत सारे लोगों का भी मैं रिव्यू लूँगा इस फिल्म के बारे में, और फिल्म बिल्कुल इमोशन से जुड़ा हुआ है, इस फिल्म को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। आपका भाई छोटू तबाही।